Hi guys, welcome back to Sweet Chilliz. मैं हूं रुधिर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं सलमान खान एक्शन फाइट सीन तुमको ना भूल पाएंगे, सुष्मिता शेन एंड दिया मिर्जा. ओके, और इस फाइट में इनके साथ इंदर कुमार भी हैं, सलमान खान के बहुत अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं इंदर कुमार, और रिसेंट में इनकी डेथ भी हुई है, मतलब हार्ट अटैक से. ठीक है, और यार मतलब इंदर कुमार को देख के ना बस एक बात मन में आती थी कि यार इतना गुड लुकिंग हीरो था, डिजर्विंग एक्टर था, लेकिन फिर भी उसे मतलब लोगों का सपोर्ट नहीं मिला. और वो रहता है ना कि एक बड़े पेड़ के नीचे कभी भी छोटे पेड़ को इंसान महत्व तो नहीं देता है. तो समझ जाओ यार मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. मतलब बॉलीवुड में नेपोटिज्म इतना ज़्यादा है कि एक डिज़र्विंग एक्टर बहुत ही कम चलते हैं. अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी एक्टिंग में मतलब भरपूर दम नहीं है, या किसी डायरेक्टर ने इतनी हिम्मत नहीं की है कि एक अच्छे हीरो को कास्ट कर सके वो, तो बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में चलते हैं, आउटसाइडर्स. ठीक है, और यार हमारे सामने वैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं. तो चलो यार ये फाइट सीन देखते हैं. पता है क्या, सलमान खान की मुझे बेस्ट मूवी एक ये लगती है तुमको ना भूल पाएंगे, और एक दूसरी है वांटेड. दो मूवी इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं एनी टाइम देख सकती हूँ. ठीक है, हाँ बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं और कि आप सलमान खान को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप फाइट सीन पर रिएक्शन दीजिए. ठीक है, और आप क्यों उनसे नफरत करती हैं, उनका कारण क्या है? भाई मैं, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन ये होता है ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है. किसी को कोई एक्टर पसंद होता है, किसी को कोई एक्टर पसंद होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सलमान खान की मुझे सारी मूवी बेकार लगती हैं, ऐसा नहीं है. मैंने कई सारी उनकी मूवीज़ देखी हैं पहले की. ठीक है, और वांटेड के बाद मतलब मैंने मूवी ज़्यादा इनकी देखनी बंद कर दी, क्योंकि उसके बाद कोई मूवी मुझे अच्छी लगी ही नहीं. तो यार चलो ये मूवी का फाइट सीन देखते हैं और इसे एंजॉय करते हैं, और उसके बाद में इसके बारे में और बातें करेंगे. ठीक है, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा. कुमार हैंडसम हीरो, इसमें विलन थे. कहाँ छुपा है, बाहर निकल. ले घेर लो सारे को. बहुत सही निशाना. वाओ, छज्जे पे रख रखा था बंदूक, इसीलिए no.
कि सीढ़ियों पे कितनी आसानी से मतलब चला रहे हैं ना गाड़ी। ये कहां भागती जा रही यार। निशाना है भाई का। बॉडी भी अच्छी बनी है यार सुंदर सलमान की। ओहो भाई नाउ शर्टलेस। दिस इज द रियल बॉडी। ये अच्छी लगती है। ये वाला सीन का मीम बहुत बनता है यार। इतना इंटेंस सीन हो उसका मीम ऐसा बना देते हैं।
नफरत करता हूँ तो तुझे करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। तू मुझसे हर चीज मांग रहा है। मैं महक को चाहता था, मैं महक को बहुत चाहता था, लेकिन वो तुझे चाहती थी। तुझे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। साले, मेरे सामने तुम दोनों गले मिलते थे, तुम मेरे सीने पर सांप लौटते थे। कमीने, मैंने तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तू बच गया। तेरे भाई को यह बात पता चल गई। मस्जिद में मैंने तुम दोनों को मारना चाहा, लेकिन तू बच गया और उसकी मौत हो गई। तुझे मुझे रहीम चाचा को मरवाना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को भी मैंने ही मारा। हाँ, और आज तेरी वजह से महक भी मर गई। मारा खुद है बदतमीज। मैंने ये सब किया महक के लिए, पैसे के लिए। देख, तेरा गुडलक भी मेरे पास है। आज तुझे कौन बचाएगा? वही जो तुझे मरवाएंगे इंदर। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि तुझ जैसे कमीने उनकी तरफ पर रहे और उनका नाम खराब करे। अगर तूने प्यार के लिए किया होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने दौलत के लिए किया है, दौलत के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्यों? तुझे भाई जैसे पाला और तूने मेरे साथ धोखा किया। मुन्ना, तुमने मुन्ना को मार दिया। ओह माय गॉड, तुमने महक के साथ रेप किया सिर्फ दौलत के लिए। रहीम चाचा, दौलत के लिए लेके जा दौलत। देखा मुझे कैसे लेके जाता तू दौलत, मुन्ना लेके जा दौलत। मारने के बाद गले लगा रहे। भाई का ब्रेसलेट कोई नहीं छीन सकता उनसे। ओ माय गॉड, सेम गन से गोली निकल रही है यार। टाइसन, ये टाइसन द रियल हीरो कम। आई लव दिस डॉगी। ओके, तो इसके बाद ये जो मंत्री साहब होते हैं इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है, दी एंड हो जाता है। ठीक है, मूवी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मतलब दोस्ती में कैसे धोखा मिलता है और एक दोस्त किस हद तक जा सकता है, ठीक है, अगर आप उस पर अंधा विश्वास करते हैं, तो वो दिखाया गया। ठीक है, और यार मुझे स्टोरी काफ़ी कमाल की लगी थी। और ये मूवी इसलिए भी मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ सलमान खान सर की मतलब रियल बॉडी है। ठीक है, वो VFX वाला कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, या फिर उनका कोई बॉडी डबल ने उनका कैरेक्टर नहीं निभाया है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये मूवी। एक ये है, एक वांटेड, मतलब यार दोज टू मूवीज एपिक बहुत ही ज़्यादा। और आई होप आप लोग को मेरे रिएक्शंस पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर यार अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।